डिंडोरी के समानपुर वन परिक्षेत्र में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन कर्मियों की मिलीभगत से जंगलों में रोज अंधाधुंध कुल्हाड़ी चल रहे हैं। हरे भरे पेड़ों को काटकर लकड़ी माफिया चांदी काटने में लगे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जंगलों को बचाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ वन कर्मियों के साठगांठ के चलते लकड़ी माफिया जंगल में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। विभाग के आला अधिकारी को जंगल में कटाई की जानकारी नहीं है, तो पेड़ों की जो अवैध कटाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वन विभाग नींद में है और ये धड़ल्ले से काम चल रहा है। डिंडौरी का ये पूरा मामला है जहां पर वन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धड़ल्ले से वन की कटाई यहाँ पर की जा रही है, लकड़ियों की तस्करी यहाँ पर की जा रही है। बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर संदेश लिखे गए हैं, पर्यावरण को बचाना है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें देखने को यहाँ पर मिल रही है। पेड़ों की जो कटाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वन विभाग भी इस पूरे मामले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं कहीं पर वन विभाग की साठगांठ भी देखने को मिल रही है और धड़ल्ले से यहाँ पर जो वन माफिया है जंगलों को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो वन विभाग के अधिकारी गहरी नींद में है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पेड़ों की कटाई की गई है, डिंडौरी का पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रघुनंदन, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रघुनंदन, क्या कारण है कि वन विभाग के कर्मचारी कार्रवाई नहीं करते, लगातार पेड़ों की अवैध कटाई यहाँ पर की जा रही है? जी राष्ट्रीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो समनापुर वन परिक्षेत्र है, आए दिन वन क्षेत्रों में धड़ल्ले से कुल्हाड़ी चल रही है और जिम्मेदार लगातार अनजान बने हुए हैं। और सूचना के मुताबिक यहाँ तक जानकारी है कि जो वन विभाग के कुछ कर्मचारी है उनकी जो लकड़ी माफियाओं से साठ गांठ है, जिसके चलते आए दिन जंगलों में अंधाधुंध कटाई चल रही है और वन साफ हो रहे हैं। तो वन विभाग के अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ कहा उन्होंने? वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का वही रटा रटाया जवाब है, मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। हर बार यही बात जिम्मेदारों के द्वारा दोहराई जाती है, लेकिन कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, जिसके चलते वन माफिया और जो लापरवाह कर्मचारी है वो अपने काम में लगे रहते हैं। बिल्कुल, और क्या ये बात भी है कि वन माफिया और कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठगांठ है इस इलाके को लेकर? जी जी राष्ट्रीय जी, क्या जो डिंडोरी जिला है अधिकांश जंगली क्षेत्र होने के कारण जो वन विभाग के जो कुछ कर्मचारी है उनकी साठगांठ, वन विभाग वन में जो लकड़ी काटते हैं, अवैध कटाई करते हैं, उनके साथ साठगांठ है और उनकी कहीं ना कहीं जो मूक सहमति है, जिसके चलते अंधाधुंध वनों की कटाई जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रघुनंदन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो डिंडोरी से संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जो जानकारी दे रहे थे कि वन माफियाओं के संबंध अधिकारियों से भी है, यही कारण है कि वन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डिंडोरी का ये पूरा मामला है, सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र है जहां पर लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, वो भी अवैध रूप से।